जिसकी सूचना मुझे आज मिली है और मुझे किसी तरीके से ना बताया गया, ना बुलाया गया और ना ही मुझे से कोई कंसर्न ली गई। जिन राजा साहब को कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कृत कर दिया था वो उस पार्टी में थे नहीं और वो छोड़े, वो कांग्रेस में वापसी नहीं किए थे और ना ही कांग्रेस से उनको बुलाया गया था, बल्कि उनको पार्टी छोड़ना पड़ा था क्योंकि पार्टी में उनकी बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं थी। और मैं नहीं समझती हूँ कि ये राजा साहब के हित के लिए किया जा रहा है, ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है। दिवंगत राजा देवव्रत सिंह के मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम कैंसिल हो गया है। कार्यक्रम निरस्त होने के पीछे राजा की धर्म पत्नी रानी विभा सिंह हैं। उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट खैरागढ़, छुई खदान, गंडई और सीएम को आवेदन पत्र देकर मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है। रानी विभा सिंह ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है और कहा कि राजा की प्रतिमा और गार्डन की आड़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनीति कर रहे हैं, राजा के जिंदा होते तो उन्हें महत्व नहीं दिया गया। रानी विभा सिंह ने बकायदा एक वीडियो जारी करके इसके पीछे की पूरी कहानी बताई है। मैं लेट राजा देवव्रत सिंह की पत्नी इस वीडियो के माध्यम से सबको बताना चाहती हूँ कि मेरे पति स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह जी का मूर्ति का अनावरण होने जा रहा है कल, जिसकी सूचना मुझे आज मिली है और मुझे किसी तरीके से ना बताया गया, ना बुलाया गया और ना ही मुझे से कोई कंसर्न ली गई। और लोकसभा प्रत्याशी राजनांदगांव के जो इसका अनावरण कर रहे हैं, उन्होंने वो इतने सीनियर पद पे होते हुए, इतने सीनियर पर्सन होते हुए भी उन्होंने जरा सा भी ये नहीं सोचा कि किसी महिला को जिनके पति का स्वर्गवास हुए 2 साल हुए हैं मात्र, उनको इस तरह से पीड़ा देना उचित नहीं है कि जिन राजा साहब को कांग्रेस पार्टी ने बहिष्कृत कर दिया था वो उस पार्टी में थे नहीं और वो अजीत जोगी जी की पार्टी से लास्ट टाइम पे विधायक थे और वैसे ही वो इस दुनिया को छोड़े, वो कांग्रेस में वापसी नहीं किए थे और ना ही कांग्रेस से उनको बुलाया गया था, बल्कि उनको पार्टी छोड़ना पड़ा था क्योंकि पार्टी में उनकी बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं थी। और अब उनका अनावरण करके उनके लास्ट ईयर उनके भूमि पूजन में भी उनके परिवार को, मतलब उनकी किसी भी मृत पर्सन के मूर्ति आवरण में उसकी पत्नी को तो एक बार पूछा जाता है और कि कहाँ पे लगाएं या किसी भी तरीके का कोई कंसर्न लिया जाता है, जो कि कुछ भी नहीं किया गया और साथ साथ में हमको इन्फॉर्म तक नहीं किया गया। इस चीज़ का मुझे बहुत दुख है और मैं नहीं समझती हूँ कि ये राजा साहब के हित के लिए किया जा रहा है, ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दा है और उनके फेस को उनके फेस को आगे करके सिर्फ चुनाव और वोट कलेक्ट किया जाएगा। उनके जिंदा रहते उनको वो महत्व नहीं दिया गया, जो उनके जाने के बाद उनको एक तरीके से एक शब्द हम बोलेंगे कि उनको बुनाया जा रहा है और इस चीज़ से मैं बहुत आहत हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ कि उनके साथ, मेरे पति के साथ ये बहुत गलत किया जा रहा है कि उनको इस तरह से किसी भी वो उस शहर में हमारा एक रेपुटेटेड फैमिली है बट उनकी मूर्ति को सड़क के किनारे रख दिया गया है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। मैंने इस चीज़ को बोला भी, किसी ने सुना नहीं। सेकेंडरी उनको मूर्ति को बनाने के वक्त एक बार तो वाइफ से पूछा जाता है कि क्या चीज़ होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, वो भी नहीं पूछा गया। तो ये सब पॉलिटिकल दांवपेच है, इसमें देवव्रत सिंह जी के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है, ये सब एक अफवाह कि उनके लिए कुछ पार्टी करने की कोशिश कर रही है, बट ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए आगे आप लोगों से अनुरोध है कि हमारी बातों को सुने और मेरी मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपको बता दें कि राजनांदगांव लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को गुरुवार को राजा देवव्रत सिंह की मूर्ति का अनावरण करना था, लेकिन एक दिन पहले ही स्वर्गीय राजा की पत्नी की नाराजगी सामने आ गई और कार्यक्रम को निरस्त कर दिया गया। खैरागढ़
जिनका रियासत के लिए चर्चा है, जहां सियासत के लिए चर्चा है, लेकिन इस बार जो चर्चा खैरागढ़ का हुआ है वो है स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह के मूर्ति के नाम से। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा इस मूर्ति का आज अवरण होना था, लेकिन मुख्यमंत्री इस मूर्ति का अवरण नहीं कर पाए, क्योंकि स्वर्गीय राजा देवव्रत सिंह की जो पत्नी है रानी विभा सिंह के द्वारा, उसके द्वारा आरोप लगाया गया है कि बाबा साहब की मूर्ति को लेकर भी राजनीतिक किया जा रहा है, जिसके लिए बाकायदा विष्णु देसाई मुख्यमंत्री को आवेदन लिखकर, जिला कलेक्टर को आवेदन लिखकर लिखित रूप में निवेदन किया कि इस मूर्ति का अवरण नहीं होना चाहिए, और ठीक वैसा ही हुआ। इस मूर्ति का जो आज इनका करना था अवरण वो नहीं हुआ है, और जिसके लिए बीजेपी ने कहा कि ये प्रशासनिक प्रशासन और पारिवारिक मामला है, जिसमें बीजेपी ने अपना पल्ला तो झाड़ लिया। रानी विभा सिंह ने आरोप लगाया है कि मूर्ति अनावरण के बारे में ना ही उन्हें बताया गया है और ना ही बुलाया गया, हमें जानकारी तक नहीं दी गई। कांग्रेस से राजा साहब को पार्टी से बहिष्कृत कर दिया था। मूर्ति अनावरण राजा साहब के लिए नहीं, केवल राजनीति के लिए किया जा रहा है। जिंदा रहते तो उनको महत्व नहीं दिया गया। इस सारे घटनाक्रम से वो दुखी हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए राजनाथ गांव से हेमंत पाल की रिपोर्ट।